हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजीव गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को इम्प्लीमेंट ऑल गेट यूजिंग नैंड एंड नॉर। मतलब ऑल गेट का इम्प्लीमेंट करना है किसका हेल्प लेके, नैंड और नॉर गेट का हेल्प लेके ऑल गेट का क्या करना है, डिजाइनिंग करना है। यही आपका क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये आपका क्या होगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, समझने का कोशिश करिए कि नैंड और नॉर गेट से ही ऑल गेट का इंप्लीमेंट हम क्यों करेंगे। तो इसका मतलब है कि नैंड और नॉर गेट को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। इसीलिए ऑल गेट का इंप्लीमेंट किससे करेंगे, नैंड और नॉर से करेंगे। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, व्हाई। तो आपको बोलना है, आपका आंसर यहां पर लिखा हुआ है, नैंड एंड नॉर आर यूनिवर्सल गेट बिकॉज ऑल गेट्स आर इंप्लीमेंट बाय यूजिंग नैंड एंड नॉर। मतलब नैंड और नॉर गेट का हेल्प लेके अनदर गेट का इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसीलिए आपका नैंड और नॉर गेट जो है स्टूडेंट, वो आपका क्या है, यूनिवर्सल गेट है। अब आते हैं पॉइंट पर कि आपसे पूछेगा कि नैंड गेट का यूज करके, नैंड गेट का यूज करके आपको कौन सा गेट बनाना है। आपसे पूछेगा कि नैंड गेट का यूज करके आपको बनाना है स्टूडेंट और गेट बनाना है, एंड गेट बनाना है, और आपसे पूछेगा कि आपको नॉट गेट बनाना है, और आपसे पूछेगा कि एक्सक्लूसिव और गेट बनाना है, और आपसे पूछेगा कि एक्सक्लूसिव नॉर गेट बनाना है, और आपसे पूछ सकता है कि नॉर गेट बनाना है। तो नैंड गेट का यूज करना है और ये सारी गेट को क्या करना, बनाना है। अब स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि नैंड गेट का यूज करके आप और गेट कैसे बनाओगे। अब देखो, अब समझने का कोशिश करो कि आपको और गेट का डिजाइनिंग करना है किसका यूज करके, नैंड गेट का यूज करके। तो बेसिकली आपका जो नैंड गेट का सिंबल होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, ये आपका जो गेट है वो आपका क्या, नैंड गेट है। ये आपका इनपुट है, ए और बी यदि इनपुट देंगे तो नैंड गेट का आउटपुट क्या होगा स्टूडेंट, ए इंटू बी का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। ये आपका हो गया नैंड गेट का सिंबल। अब इस गेट का यूज करके हम क्या बनाएंगे, और गेट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, ध्यान देने का कोशिश करिए, आपको समझ में आएगा। तो देखिए, ये आपका क्या है, नैंड गेट है। नैंड गेट में आपको इनपुट देना है, इनपुट इस तरह देना है, ये आपका ए इनपुट है। दोनों टर्मिनल में हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ए दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें हम लोग क्या दे रहे हैं, बी दे रहे हैं। क्या इनपुट दे रहे हैं, बी दे रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट, यदि आप यहाँ पर ए दोगे तो ए इंटू ए का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। आप जानते हो कि आप ए इंटू ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। इसका मतलब है कि ए इंटू ए का क्या होगा स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पर क्या होगा, बी इंटू बी का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका ए होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। अब देखो, इस दोनों इनपुट को एक नैंड गेट के थ्रू क्या करेंगे, पास करेंगे। इसका मतलब स्टूडेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, नैंड गेट हो जाएगा। और ये नैंड गेट है तो इसका मतलब ये क्या होगा, आपका ए कैप होगा, और ये आपका क्या होगा, बी कैप होगा। इसका मतलब इसका आउटपुट क्या होगा, ए कैप इंटू क्या होगा, बी कैप का क्या होगा, होल कॉम्प्लीमेंट होगा। अब यहाँ पर एक थ्योरम लगाएंगे, उसको बोलते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। इसका मतलब इसका स्टेटमेंट होता है, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट, और स्टूडेंट क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। और ए इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट होगा। यदि आपसे पूछेगा कि डी मॉर्गन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, तो ये दोनों स्टेटमेंट को क्या करना है, लिखना है। यही आपका डी मॉर्गन थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब देखो स्टूडेंट, ये वाला कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाएंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए का डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और डॉट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लस और क्या करेंगे, डबल कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। और यदि यदि कोई पैरामीटर का डबल कॉम्प्लीमेंट है तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा। इसका मतलब ए प्लस क्या होगा, बी होगा। और यही आपका क्या है, और गेट का आउटपुट है। इसका मतलब हम लोग क्या किए, नैंड गेट का यूज करके एक नैंड गेट यहाँ पर किए, एक नैंड गेट यहाँ पर यूज किए, और एक नैंड गेट यहाँ पर यूज किए। तो हम कितने नैंड गेट का यूज करके और गेट बना दिए, इसका मतलब हम 3 NAND गेट का यूज करेंगे तभी जाके आपका क्या बनेगा, और गेट बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर 3 NAND गेट का यूज करेंगे तभी जाके आपका क्या होगा स्टूडेंट, क्या होगा, और गेट बनेगा। कितना
नैंड गेट का यूज करेंगे, फ्री नैंड गेट का यूज करेंगे, तभी जाके आपका क्या होगा, और होगा। इसका मतलब आपसे यदि पूछे कि नैंड गेट का यूज करके और गेट का डिजाइनिंग करना है तो ये इस फिगर को क्या करना, बनाना है। दूसरा पॉइंट में आते हैं स्टूडेंट, यदि आपसे पूछेगा कि एंड गेट का डिजाइनिंग करो यूजिंग नैंड, यूजिंग नैंड, तो इसको कैसे बनाओगे स्टूडेंट, ये आपका क्या है, ये आपका क्या, किस तरह का गेट है, तो ये आपका क्या है, नैंड गेट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनपुट देंगे, तो ये आपका ए होगा, ये स्टूडेंट क्या होगा, बी होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए इंटू बी का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। अब इस इनपुट को एक नैंड गेट के थ्रू पास करेंगे स्टूडेंट, इसका मतलब ये नैंड गेट है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी आपका आएगा ए इंटू बी का क्या होगा स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट आएगा, और इसका क्या होगा, होल कॉम्प्लीमेंट होगा। देखो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, सिंपल यही चीज होगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर क्या लिखे, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा, होल कॉम्प्लीमेंट होगा, और किसी भी एलिमेंट के ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट होगा तो कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, तो ए इंटू क्या होगा, बी होगा। इसका मतलब ये आपका आउटपुट किसका स्टूडेंट, एंड गेट का है, किसका है, किसका है, एंड गेट का है, एंड गेट का आउटपुट है। तो यदि कितना नैंड का यूज कर रहे हैं, एक नैंड ये है और दूसरा नैंड ये है, इसका मतलब दो नैंड गेट का यूज करके हम क्या बना सकते हैं, एंड गेट बना सकते हैं। इसका मतलब यहां पर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, टू लिखेंगे। अब देखो स्टूडेंट, तीन नंबर में आपको क्या बनाना है, तीन नंबर में क्या बना, नॉट गेट बनाना है। तो एंड गेट, नैंड गेट का यूज करके आपको नॉट बनाना है, ये आपका क्या, नैंड गेट है। ये दोनों इनपुट को एक साथ शॉर्ट करके हम लोग एक इनपुट देंगे ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसका मतलब ए का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। इसका मतलब यदि आपसे पूछे कि कितना नैंड गेट का यूज करके नॉट गेट बनाओगे, तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर एक नैंड गेट का यूज करके हम लोग क्या बना सकते हैं, नॉट गेट बना सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, नॉट गेट का डिजाइनिंग हो गया यूजिंग नैंड। ये आपका हो गया नैंड गेट का यूज करके एंड बनाना, ये नैंड गेट का यूज करके और बनाना। अब आपका रहा स्टूडेंट, और बना दिए हम, एंड बना दिए, नॉट बना दिए, अब आपका है एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब यह कि इसको क्या करेंगे, इसको साफ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम नैंड गेट का यूज करके, नैंड गेट का यूज करके अब हम बनाएंगे एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट। अब देखो स्टूडेंट कैसे हम एक्सक्लूसिव और गेट का डिजाइनिंग करते हैं। अब देखो एक्सक्लूसिव और गेट कैसे बनाएंगे, तो नैंड गेट का यूज करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक नैंड गेट बनाएंगे, ये आपका क्या है, नैंड गेट है, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका नैंड गेट है। अब देखो यहाँ पर ए देंगे, यहाँ पर बी देंगे, ये आपका ए है स्टूडेंट, और ये आपका क्या है, बी है। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ए इंटू बी का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये इनपुट कैसे खींचेंगे, इसको एक लाइन खींचेंगे ऐसे करके, इसको ऐसे खींचेंगे, इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर नैंड गेट देंगे। अब यहाँ पर भी क्या देंगे, एक नैंड गेट बनाएंगे, ठीक है, नैंड गेट बना दिए। अब एक इनपुट को कनेक्टेड कर दिए इससे, अब दूसरा इनपुट को इससे कनेक्टेड करेंगे स्टूडेंट, ये आपका क्या ए है, इसको यहाँ से वायर को खींचेंगे, यहाँ पर लगा देंगे। इसका मतलब है ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये वाला लाइन क्या है, इससे कनेक्टेड है, इसका मतलब ए इंटू बी का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये आपका ए इंटू बी का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर आउटपुट निकलेगा, यहाँ पर आउटपुट निकलेगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए और ए बी का कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा स्टूडेंट, होल कॉम्प्लीमेंट होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपका आएगा ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस क्या होगा, बी होगा। इसको यदि सॉल्व करेंगे और इसको यदि सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का कॉम्प्लीमेंट और बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा स्टूडेंट ए और क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब डी मॉर्गन थ्योरम लगा के इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो स्टूडेंट इसको और इस इनपुट को यहाँ से खींचेंगे और यहाँ पर लगाएंगे और ये आपका क्या है, नैंड गेट है, ये आपका क्या, नैंड गेट है। अब देखो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, आपका ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस क्या होगा, बी, और ये आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट का क्या हो जाएगा, होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट ए होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट और क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट और क्या होगा, ए बी और क्या होगा, बी बी कॉम्प्लीमेंट होगा। जानते हो कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ये आपका जीरो, ये आपका जीरो। इसका मतलब होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और स्टूडेंट क्या हो, ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट होगा।
अब देखो स्टूडेंट, अब ये इसको यदि सॉल्व करेंगे, ए का कम्प्लीमेंट बी का कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे, ए बी का क्या हो जाएगा कम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा, ए डबल कम्प्लीमेंट प्लस बी डबल कम्प्लीमेंट और क्या हो जाएगा आपका ए कम्प्लीमेंट प्लस क्या हो जाएगा बी कम्प्लीमेंट। तो ए प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट बी, और ये क्या हो जाएगा ए और क्या हो जाएगा बी का कम्प्लीमेंट। इसको गुणा कर लेंगे, ए ए कम्प्लीमेंट हो जाएगा स्टूडेंट ए, बी कम्प्लीमेंट हो जाएगा, ए कम्प्लीमेंट बी हो जाएगा और क्या हो जाएगा बी बी कम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये वैल्यू जीरो, ये वैल्यू जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ए बी का कम्प्लीमेंट और क्या हो जाएगा ए कम्प्लीमेंट बी हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एक्सक्लूसिव और गेट। इसका मतलब है कि एक्सक्लूसिव और बनाने के लिए कितना नैंड गेट का यूज करेंगे, तो एक हो गया यहाँ पर, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, या आपका चार हो गया। इसका मतलब एक्सक्लूसिव और गेट बनाने के लिए कितना नैंड गेट का यूज करेंगे स्टूडेंट, चार गो नैंड गेट का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो इसको सॉल्व करने के बाद ये ए बी का क्या हो गया कैप और क्या हो गया ए कैप और क्या हो गया बी हो गया स्टूडेंट। अब देखने का कोशिश करिए, यदि हम लोग को एक्सक्लूसिव नॉर गेट बनाना है तो ये आपका एक्सक्लूसिव और गेट बन चुका है, और यदि एक्सक्लूसिव नॉर गेट बनाना है तो कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट। अब क्या करना है, अब क्या करना है, इस लाइन को ऐसे खींचना है, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देना है, ऐसे ड्रॉ करके यहाँ पर एक गेट लगा देना नैंड गेट। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, देखो स्टूडेंट ये ए वाला लेते हैं, ये क्या है ए कैप बी कैप और क्या है ए बी का क्या है यहाँ पर ये कैप है। अब देखो यहाँ पर जो जाएगा वो क्या होगा ए कैप बी कैप और क्या होगा ए बी ये हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा ए कैप बी कैप और स्टूडेंट क्या जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा, और ये आपका क्या कम्प्लीमेंट, ये आपका क्या कम्प्लीमेंट, और उसका क्या होगा होल कम्प्लीमेंट होगा। इसका मतलब इसको अंदर में गुना करेंगे तो ए कैप बी कैप और स्टूडेंट क्या होगा ए बी का कम्प्लीमेंट का क्या होगा कम्प्लीमेंट। इसको सॉल्व करेंगे तो कम्प्लीमेंट कम्प्लीमेंट हट जाएगा, ए कैप बी कैप और क्या होगा ए बी होगा। तो स्टूडेंट क्या है यहाँ तक जो बना, यहाँ तक जो बना वो क्या है एक्सक्लूसिव और गेट है, और यहाँ पर जो बनेगा वो क्या होगा एक्सक्लूसिव नॉर गेट होगा, यहाँ तक एक्सक्लूसिव नॉर गेट होगा। इसका मतलब एक्सक्लूसिव नॉर बनाने के लिए कितना गेट का यूज करेंगे, पांच गेट का यूज करेंगे। ये आपका स्टूडेंट यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि नैंड गेट का यूज करके एक्सक्लूसिव और गेट बनाना है तो आपको यहीं तक बनाना है, यहीं तक बनाना है। ये एरो लिए है ना, ये एक्सक्लूसिव और हो गया। और यदि आपसे पूछे कि नैंड गेट का यूज करके एक्सक्लूसिव नॉर बनाना है तो एक दो तीन चार और ये गेट को भी लेना है पांच गो, मतलब पांच गो नैंड गेट का यूज करेंगे तभी जाके एक्सक्लूसिव नॉर बनेगा। तो ये एक्सक्लूसिव नॉर हो गया स्टूडेंट। अब आपसे पूछा गया कि नॉर गेट बनाइए, तो नॉर गेट कैसे बनाएंगे, तो और गेट तो अभी बना चुके हैं, और गेट कैसे बनाए थे स्टूडेंट आप जानते होंगे कि और गेट कैसे बनाए थे, ऐसे बनाए थे ये आपका क्या इसको एक इनपुट डाले थे और यहाँ पर नैंड गेट को ऐसे लिखे थे और यहाँ पर एक ही इनपुट डाले थे। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा ए का कैप और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी का कैप हो जाएगा स्टूडेंट। फिर एक नैंड गेट लगाएंगे यहाँ पर, नैंड गेट लगाएंगे ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा ए का कैप इंटू बी का कैप का होल कैप हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ए डबल कैप और क्या हो जाएगा बी डबल कैप हो जाएगा। इसका मतलब ए और क्या हो गया बी हो गया। अब स्टूडेंट सीधी भाषा में क्या करना है, इसको एक नैंड गेट के थ्रू पास करना है। ठीक है, अब देखो कैसे पास करेंगे, तो ए बी और क्या हो जाएगा ए बी का क्या हो जाएगा होल कम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब देखो ये इसको यदि हम लोग पूरा को x मानेंगे, इसको पूरा को x मानेंगे, x इंटू एक्स क्या होगा x होता है, इसका मतलब a प्लस बी का क्या हो जाएगा स्टूडेंट कम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ये किसका आउटपुट है स्टूडेंट, नॉर गेट का आउटपुट, किसका आउटपुट है नॉर गेट का। इसका मतलब नैंड गेट का यूज करके यदि नॉर गेट बनाना है तो कितना यूज करें, एक दो तीन चार, इसका मतलब चार नैंड गेट का यूज करके हम लोग क्या बना सकते हैं नॉर गेट बना सकते हैं स्टूडेंट। तो आपसे पूछेगा कि यूजिंग नैंड गेट डिजाइनिंग और गेट, यूजिंग नैंड गेट डिजाइनिंग एंड गेट, यूजिंग नैंड गेट डिजाइनिंग नॉट गेट, तो इस तरह करके हमको क्या करना है सर्किट का डिजाइनिंग करना है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सक्लूसिव और हो गया, टोटल यदि बनाएंगे तो एक्सक्लूसिव नॉर हो जाएगा। और ये आपका किसका नैंड गेट का यूज करके किसका डिजाइनिंग कर रहे हैं, नॉर गेट का डिजाइनिंग कर रहे हैं। इसका मतलब स्टूडेंट आज बता चुके हैं हम
कि नैंड गेट का यूजिंग करके आप और गेट कैसे बनाओगे, नैंड गेट का यूजिंग करके आप एंड गेट कैसे बनाओगे, नैंड गेट का यूज करके आप नॉट गेट कैसे बनाओगे, नैंड गेट का यूज करके एक्सक्लूसिव और कैसे बनाओगे, नैंड गेट का यूज करके एक्सक्लूसिव नॉर कैसे बनाओगे, और नैंड गेट का यूज करके नॉर गेट कैसे बनाओगे। और ये भी बता चुके हैं कि नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं। तो ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यदि चैनल में कोई नए आए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने ग्रुपों में शेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।